तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे सामने एक इन्वर्टर रखा हुआ है जो कि माइक्रोटेक कंपनी का इन्वर्टर है। 24x7 HP725 इसका मॉडल नंबर है। देखते हैं ये अंदर से कैसा दिखाई पड़ता है। ये देखिए दोस्तों, अंदर से ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। तो आज की वीडियो में हम इस इन्वर्टर को रिपेयर करेंगे, चेक करेंगे, देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है। आपसे ये रिक्वेस्ट है, वीडियो आप पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसे इन्वर्टर को हमने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। अब इन्वर्टर को हम ऑन करते हैं, देखते हैं इन्वर्टर हमारा वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ये देखिए इन्वर्टर हमारा ऑन हो गया। ये वोल्टमीटर हमने इन्वर्टर की आउटपुट पर लगा रखा है, यानी इन्वर्टर के बाहर जो करंट निकल रहा है ये वोल्टमीटर वो करंट बता रहा है, यानी इन्वर्टर बाहर करंट निकल रहा है। अब इसे मेन लाइन से कनेक्ट करके देखते हैं। देखिए इन्वर्टर में तीन सेक्शन होते हैं, आउटपुट सेक्शन जो कि इन्वर्टर हमारा सही काम कर रहा है, चेंजओवर सेक्शन और चार्जिंग सेक्शन। चेंजओवर सेक्शन वो होता है कि लाइट आने पर हमारा इन्वर्टर बैटरी मोड से इलेक्ट्रिसिटी मोड पर आ जाए, और इलेक्ट्रिसिटी मोड से इलेक्ट्रिसिटी कट होने पर बैटरी मोड पर आ जाए। और फिर चार्जिंग सेक्शन, यानी कि जब इलेक्ट्रिसिटी ऑन होती है उस समय इन्वर्टर बैटरी को चार्ज करता है। तो चलिए हमने इसे मेन लाइन से कनेक्ट कर दिया। अब देखते हैं इन्वर्टर हमारा कैसा वर्क कर रहा है। देखिए अभी तक इसने मेन लाइन सेंस नहीं की है, अभी केवल ये UPS मोड पर ही चल रहा है। ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी आने पर भी बैटरी मोड पर ही वर्क कर रहा है। तो इसका मतलब ये इन्वर्टर हमारा मेन लाइन सेंस नहीं कर रहा है। कस्टमर की शिकायत भी ये थी कि पावर आने पर भी इन्वर्टर बैटरी मोड पर ही चलता रहता है। तो इससे कस्टमर को दिक्कत ये आ रही है कि बैटरी भी चार्ज नहीं हो पा रही है और फिर इन्वर्टर किसी तरह काम नहीं कर रहा है। तो चलिए इसे अब चेक करते हैं। तो अब हम एक मल्टीमीटर लेंगे। मल्टीमीटर को हमने 600 वोल्ट AC पर सेट कर दिया है। तो सबसे पहले हम किट में AC वोल्टेज चेक करेंगे कि हमारी मेन लीड से AC वोल्टेज आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। ये देखिए जैक में आपको रेड और ब्लैक दो वायर दिखाई पड़ रहे हैं, ये न्यूट्रल और फेस है मेन लाइन के इनपुट। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर इनपुट सप्लाई हमारे आ रही है, इसका मतलब यहां तक सही है। इसके बाद में ये देखिए ये आपको एक ट्रांसफार्मर दिखाई पड़ रहा है किट के अंदर, ये भी चेंज होगा के ऊपर है। अगर ये ट्रांसफार्मर काम नहीं करेगा तो भी चेंज होगा सेक्शन हमारा सही से वर्क नहीं करेगा। तो फिर यहाँ पर भी हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ये देखिए मल्टीमीटर को हमने 200 वोल्ट पर चेक सेट कर लिया। इसे हम वैसे 600 वोल्ट पर भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर हम वोल्टेज चेक करेंगे। ये देखिए ये ट्रांसफार्मर भी अपना वर्क कर रहा है, यानी ये कई 24 वोल्ट के आसपास आउटपुट करंट निकाल रहा है। अब हम इसे मल्टीमीटर को DC वोल्ट पर चेक करेंगे, सेट करेंगे इसे। 200 वोल्ट DC पर हमने इसे सेट कर लिया। और डायोड, इसमें दो डायोड लगे हुए हैं, आपको दिखाई पड़ रहे होंगे किट में। ये देखिए ट्रांसफार्मर पर दो डायोड लगे हुए हैं। अब यहां पर हम DC वोल्टेज चेक करेंगे। DC वोल्टेज अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर कई बार डायोड खराब हो जाता है, तब भी दिक्कत आती है। ये देखिए डायोड भी अपना काम सही कर रहा है। दूसरे साइड का भी चेक करते हैं। ये देखिए यहां तक सब कुछ सही है। दोस्तों, अगर यहां तक सब कुछ सही है तो फिर लास्ट में हमारा जो डाउट जाता है वो देखिए इसमें एक प्रीसेट दे रखा है। अब हमें चेंजओवर सेक्शन में जो चेक करना है वो देखिए ये प्रीसेट है। ये प्रीसेट है, इसकी वैल्यू है 502, यानी 5K का प्रीसेट है। अब हम इसे चेंज कर देंगे। ये प्रीसेट खराब हो जाता है तब भी ये चेंजओवर का फॉल्ट आता है। हमारे देखिए ट्रिगर ट्रांसफार्मर सही है, डायोड सही है और यहां पर इनपुट सप्लाई आ रही है, सब कुछ सही है। तो अब ये बस प्रीसेट ही बचा है, तो इस प्रीसेट को हम चेंज कर देंगे और 100% ये प्रीसेट ही हमारा खराब होगा, क्योंकि ज्यादातर केसेस में ये प्रीसेट ही खराब निकलता है। तो अब इस प्रीसेट को हम चेंज कर देंगे। इन्वर्टर को हम बैटरी से डिस्कनेक्ट कर देंगे, मेन लाइन से भी डिस्कनेक्ट कर देंगे, और इसके बाद में हम ये किट खोलकर इस प्रीसेट को चेंज कर देंगे। उसके बाद फिर हम इस इन्वर्टर को चेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों, किट में से हमने प्रीसेट निकाल लिया है। अब इसमें हम नया प्रीसेट लगा देते हैं, और इस प्रीसेट को लगाने के बाद हम चेक करेंगे इन्वर्टर हमारा कैसा काम कर रहा है। जहां तक है प्रीसेट को लगाने के बाद फॉल्ट लगभग रिमूव हो जाएगा। हमने चेंज कर लिया है। अब इस किट को दोबारा से इन्वर्टर में फिट कर देते हैं, सारे इसके चेक वगैरह लगा देते हैं, इसके बाद फिर से चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, अब किट के सारे कनेक्शन हमने कर लिए हैं। अब इन्वर्टर को हम ऑन करते हैं। ये देखिए इन्वर्टर ने हमारा आउटपुट निकालना शुरू कर दिया। अब इसे मेन लाइन से भी ऑन करते हैं। ये देखिए इन्वर्टर ने हमारी मेन लाइन भी सेंस कर लिया है।
अभी देखिए चार्जिंग भी स्टार्ट हो गई है। ये फैन वगैरह आपको चलता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा। इन्वर्टर ने चार्जिंग भी स्टार्ट कर दी है और मेन लाइन भी सेंस कर ली, यानी जो फॉल्ट है उसका वो फॉल्ट रिमूव हो चुका है। ये देखिए बैटरी मोड ऑफ ऑन और ये मेन लाइन इसने सेंस कर ली है। दोस्तों इस तरह से इन्वर्टर हमारा रिपेयर हो चुका है। और दोस्तों फॉल्ट कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, फॉल्ट बस समझ में आना चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।